मॉर्निंग, सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। सुबह का दिन, हवाएं देख रहे हो कितनी तेज चल रही है, खतरनाक हवाएं चल रही हैं। लग रहा है तूफान आने वाला है, लग रहा है आज तूफान आने वाला है। सुबह के ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं, 5:50 और समथिंग। जॉब पे जाने के लिए, मजदूरी जाने के लिए तैयार हो गए, मजदूर रेडी होकर नीचे जा रहे हैं। चलो रास्ते में मिलते हैं। अर्ली मॉर्निंग नज़ारा, रोड सुनसान, लोग सुनसान। ये मेरे घर के पास वाला गैस स्टेशन अलबुनैन गैस स्टेशन है, और ये रंग भी एंट्री करते हो हुए। ज़्यादातर एंट्री नहीं है रंग में, बट स्टिल है यूडन रोड, सिग्नल है रेड, दैट्स ऑल। आज तो लग रहा है हवा अपनी चला रही है, बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही है, शदीद तरीन है। पेड़ पौधे सब हिल रहे हैं कायदे से। मॉर्निंग, सुबह का सुहाना मौसम, सुबह का सुहाना। सिग्नल खुल गया है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यो सिग्नल इज ग्रीन, नंबर 13। जितने लोग भी ये सोच रहे हो या कह रहे हो कि मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मतलब हाँ, सीट बेल्ट तो नहीं लगाई है टेक्निकली, क्योंकि मुझे भी आगे चल के एक उस पर चाय लेनी है, और वो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर दूर है, और इस रोड पे स्पीड लिमिट 80 है, तो 80 से ऊपर मैं चला नहीं रहा हूँ, है ना, उससे ही कम पे चला रहा हूँ। बट सीट बेल्ट वैसे बहुत ज़रूरी है, सबको लगानी चाहिए, सेफ्टी फॉलो करनी चाहिए। नहीं मतलब ऑन अ सीरियस नोट, सीट बेल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन हैज़ टू टेक अ सीट बेल्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैमराज किधर है? हाईवे पर लग रहा है मुझे दिक्कत आने वाली है। उतनी ज़्यादा तो नहीं आएगी जितनी ठंडक में आ रही थी, उतनी ज़्यादा फॉग के टाइम पे थी। आज मौसम खुला है, मौसम बिल्कुल साफ है, बट इवन दो हवाएं काफ़ी तेज़ हैं, जिसकी वजह से जो हल्की गाड़ियां हैं वो तो सब किनारे रहने वाली हैं। जैसे ये बताया था ना, i10, i20 और छोटी मोटी जो ऐसी होती है ना, जो सुजुकी की, मारुति सुजुकी जो आ गई हैं अभी मार्केट में, वो सारी गाड़ियाँ जो है सेकेंड ट्रैक थर्ड ट्रैक पे रहेंगी, बस फर्स्ट ट्रैक पे रहेंगी, मतलब उनसे मैनेज नहीं हो पाएगा फर्स्ट ट्रैक, क्योंकि स्पीड भी तेज़ चलनी है, प्लस लोगों को वो भी करना है, तो उतने में उनका काम तो होगा नहीं, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। इतने दिन में इतना तो सीख ही लिया क्या है क्या नहीं। बात तो सही है ना, बात तो सही है। ये अरामको गैस प्लांट के लिए रोड जा रही है, अरामको कुबरी स्टेशन कहलाती है, प्लांट है अरामको बेरी गैस प्लांट, इसके लिए रोड जा रही है। हाईवे पे आ चुके हैं, जुबेल दम्मा अबाउट टू बिगिन। ये है जुबेल दम्मा हाईवे की स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग तो नहीं है, स्टार्टिंग तो रास्ता खैर से है। बस वाले भी जो है सुकून नहीं रहने दे रहा है ना।
देखो पानी भरा पड़ा, बारिश हुई थी, बारिश का पानी भरा पड़ा, लोग पैदल आ रहे हैं, लोग ये वो वाले लोग हैं जो आसपास रहते हैं इधर कैंपों में, वो लोग बेचारे चाय पराठा ये वो करने के लिए जो है नाश्ता पानी करने के लिए सुबह का, और क्या बेचारे जा रहे थे, कितने नहीं, वो भी खा कमा रहे हैं, हम भी खा कमा रहे हैं, कोई बेचारा नहीं होता, नो वन इज बेचारा, कम से कम पकौड़े तो नहीं बेच रहा है, सबसे अच्छी बात है, अगर आप 300 रुपए के डेली पकौड़े बेचते तो आप क्या रोजगार रोजगारी तो कहलाते हैं, बेरोजगार थोड़ी ना है मोहन मोदी जी के, आपको रोजगार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, तुम्हें बताओ। ये हमसा कूफिए से चाय तो ले लिए मैंने सुबह की बेहतरीन चाय, लेकिन अभी पीऊँगा नहीं, पीऊँगा मैं ऑन रोड जाके नहीं, अब तो पहले फर्स्ट ट्रैक पे जाके स्पीड मेंटेन करते हैं, उसके बाद कोई बात करते हैं, चलो। हाईवे से निकल के लोकल एरिया में आने के लिए और सिग्नल है यहाँ पे है नहीं, तो मेन प्रायोरिटी तो हम लोगों को मतलब हाईवे से जो आता है उसको प्रायोरिटी मिलती है, और जो इधर से अंदर इनसाइड वाली रोड से जा रहा होता है उसको सेकंड प्रायोरिटी मिलती है, मतलब वो लीस्ट होता है, दो ही लोग होते हैं फर्स्ट या लास्ट, सिर्फ लास्ट दो ही का गेम है, तो अब हम लोग वन बाई वन क्रॉस करते रहते हैं, वो लोग बेचारे वेट करते रहते हैं, फिर जब वो क्रॉस करते रहते हैं मतलब उनको मोस्ट प्रोबेबली 10-20% चांस मिलता है फर्स्ट में क्रॉस होने का, हाँ अगर कोई गाड़ी नहीं होती है, कोई नहीं आ रहा होता है, कोई नहीं इंटर कर रहा होता है इस साइड में, तो वो लोग उनके लिए फ्री है, बट एज़ पर रूल तो हम ही लोग सही हैं, मतलब जो भी मेन रोड से आ रहा है तो सर्विस लेन या इंटरसेक्शन वाला जो रोड है जो भी है उसका व्हीकल उसको रुकना चाहिए एज पर दी रूल। टर्निंग सेक्शन है, एक्चुअली हम डेली जाते हैं एक दूसरे शॉर्टकट से, इतने मतलब मेन रास्ते को अवॉइड करके दूसरे रास्ते से जाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है ट्रैफिक अवॉइड करना, सबसे बड़ा रीज़न है ट्रैफिक अवॉइड करना, क्योंकि आई एम नॉट द गाय फॉर द ट्रैफिक रियली, आई हेट ट्रैफिक, तो आई थिंक टाइम डिस्टेंस के हिसाब से ऑलमोस्ट सेम ही है, देयर आर नो चेंजेस सो फार, बट क्या है कि इधर से पीसफुल रहता है, पीसफुल इन द सेंस कि उतना रश नहीं है जितना कि मेन रोड्स पे होता है, बाकी सनलाइट अपनी हाइट पे है, वाह सनलाइट अपनी हाइट पे है, धूप 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 हर तरफ फैल चुकी है, काफी तेज धूप हो रही है, हवा चल रही है, बट इस साइड हवा उतनी तेज नहीं है जितनी तेज होनी चाहिए, अब यहाँ किसने गाड़ी रुकवा दी, ये तो साला लोगों ने घरों के सामने, वैसे अच्छा है वैसे रोड पे ब्रेकर्स ये वाले रोडों पे होने चाहिए ना, पागल सऊदी इतनी तेजी से निकालते कहो, इन रोडों पे भी जो अंदर से सेक्शन इंटरसेक्शन रोड है ना इन पे भी कहो उनको बचाइए, नहीं 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 स्पीड स्पीड माफी मुश्किल है स्पीड यल्ला स्पीड आना इबगा स्पीड मालेश आना इबगा स्पीड मुमकिन शो है स्पीड। चलो गाइस टेक केयर।
फाइनली रिश टू द ऑफिस. आज मैं टाइम से पहले पहुंच गया हूँ. ऑफिस भी बंद पड़ा हुआ है, अभी तक कोई आया नहीं ओपन करने. कभी कभी ज़्यादा एक्साइटमेंट के चक्कर में, ज़्यादा जल्दी के चक्कर में आप इस टाइम पर कुछ ज़्यादा ही अलग हो जाता है. नहीं आओ, जो हुआ सो हुआ, क्या किया जा सकता है उसका, तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, राइट? यार तो ऐसा हुआ कि मजदूर की छुट्टी हो गई, मजदूरी में से एक घंटा मिला है लंच ब्रेक करने का, ठीक है? तो हम अपने प्यारे अजहर भाई, अजहर भाई हेलो, और ये पीछे हैं उस्मान भाई, ठीक है, इनके साथ चल दिए हैं लंच करने. लंच के लिए अजहर भाई ने जो है शॉर्टलिस्ट किया हुआ है एक रेस्टोरेंट, जिसको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, वहाँ जा रहे हैं, ट्राई करते हैं. हम लोग वैसे फ्रिक्वेंटली वहाँ जा चुके हैं, बट आज थोड़ा सा इधर उधर उधर हो रहा था, कहीं और चलें, कहीं और चलें, कहीं और चलें, फिर डिसाइड हुआ कि नहीं चलो वहीं चल लेते हैं. तो वैसे मेरा सवाल एक उस्मान भाई से है. उस्मान भाई, आपका क्या मानना है इस टाइम पे पाकिस्तान में सरकार कौन बना रहा है, किसकी गवर्नमेंट आ रही है? कोई भी नहीं बना रहा, सरकार हमारी आई है. सरकार आपकी आई है? तो मतलब पीटीआई को पूरा सपोर्ट है आपका कि नहीं है? हमारी तरफ से पूरा है, और हर पढ़े लिखे लोगों की सपोर्ट नहीं हुई है. जो रह गए जाहिल जबट लोग, जो अंगूठा टेक लोग होते हैं, अंगूठा पेट है, पैसों के पुजारी हैं, करप्ट हैं, वो जा रहे हैं इधर उधर. ओके, हम तो भाई पीटीआई की गवर्नमेंट लाएंगे. चलिए ये सही है. इमरान खान जिंदाबाद. तो अली बाबा, हाँ तो उस्मान भाई बताइए, आज के खाने में आपको क्या लज्जत महसूस हुई, कितना लजीज लगा आज का खाना आपको? भाई मिक्स खाना था. क्या था वो? बटर मटन प्लस कढ़ाई हुई फ्री में मिली, और बना दिया उसने कस्टमाइज कर दिया है एज पर रिक्वायरमेंट. बहुत अच्छा आदमी है, बगैर बोले हमें कढ़ाई दे देता है. ये बात भी सही है. ऑर्डर किया था हम लोगों ने एक बटर मटन, जब हम लोगों ने उसको एक रिफिल की रिक्वेस्ट डाली, तो उसने रिफिल में किसी और कढ़ाई की कोई और सालन डाल के उसके अंदर मिक्स करके दे दिया. तो उस्मान भाई को इतना बुरा लगा, उस्मान भाई के ऊपर चढ़ गए, कहने लगे बात मैंने वो में सोच रहा था अदर भाई को रोक दूं, अभी नहीं मुझे नहीं पता था कि वो दूसरी ग्रेवी लेके उनका जब फोन क्या आ गया, उस बार मैं इशारे कर रहा रुको रुको रुको, अदर भाई ने दो तीन लुक में ले लिए उससे. तो जैसे ही दो तीन लुक में लिए, उसने कहा नहीं 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 अब ये तो नहीं खाएंगे हम लोग. कहा कि नहीं चेंज करो, इसको चेंज करके लाओ, ये हमसे नहीं हो पाएगा. ये स्टोरी हुई आज की, जो कि वीडियो पे आई नहीं है क्योंकि कैमरा हमने ऑफ करके रखा हुआ था. फर्दर अपडेट जो भी होगा, अब फिलहाल हम लोग ऑफिस जा रहे हैं और तो कुछ बचा नहीं है. मजदूरी शुरू होने में कुछ ही मिनट बाकी हैं, मेरे ख्याल से 10 मिनट हम लोग लेट भी हो गए हैं गिवन टाइम से, एक घंटा टाइम हो गया है. 1 से 2 लंच ब्रेक, और चलोगा मिलते हैं फिर, ठीक है? क्या हाल चाल पब्लिक? यार ऑफिस से तो हम निकल चुके हैं, ऑफिस से निकले हैं और 15-20 मिनट हो चुके हैं, घर की तरफ रवानगी है, चल रहे हैं. जैसा कि हमने सोचा था, आज रोड पे हवा वाकई में बहुत ज़्यादा है, और यही सोच के हमने दुकान पे लगी चीज़ देख रहे हो ना, सोच रहे हो कोई फैशन कर रहे हैं, स्टाइल मार रहे हैं, ये वो ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अब ब्लूटूथ हमने बस रख लिया था यही सोच के कि शायद प्रेशर ज़्यादा हो, हवा ज़्यादा हो, और अब मेरी बात तो वीडियो रिकॉर्ड ना हो पाए, लेकिन मेरा डिसीजन सही निकला, पर चल रही है, गाड़ियाँ साइड घूम रही हैं, बट और भी देख लो, पीक आवर्स चल रहे हैं रोड के, और पीक में गाड़ी चल रही है धड़ल्ले से, ठीक है? तो ब्लूटूथ है, कोई फैशन की वजह से नहीं लगाया है हमने, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स का हेडफोन है, और ठीक ठाक ढंग का है, महंगा वाला है. इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली एयरपोर्ट वर्जन 2 वर्जन 3 के बराबर ही है, एयरपोर्ट से कम नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है क्योंकि इस वजह से जैपनीज. और
वायरलेस टेक्नोलॉजी है विच इज इन्वेंटेड इन 1993 और 1999 में इसका वर्जन 1 का ब्लूटूथ फर्स्ट टाइम लेके आए थे जो लॉन्च हुआ था और 2000 में मोबाइल डिवाइसेस में आई थिंक 2000 में मोबाइल डिवाइसेस में वो टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई जीन हटसन आई थिंक जीन हटसन ब्लूटूथ के फाउंडर कहे जाते हैं ही इज़ द ओनर आई मीन ओनर नहीं है वो मतलब ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के फादर्स कहे जाते हैं उनको दो तीन अवार्ड भी मिले थे खैर ये तो कोई बकायदी आगे आगे रोड पे रशी रश दिख रहा है और अच्छा लगेगा तुम्हें क्या कहते हैं अजहर और उस्मान भाई की जय साथ में बैठे हुए जो बकैती है वो सुन के मज़ा आएगा मज़ा आए तो बताना ज़रूर कमेंट में और यार 99% लोग खाली वॉच टाइम बढ़ा रहे हैं व्यू कर रहे हैं तो भैया सब्सक्राइब भी कर लिया करो जब जो है वॉच टाइम करके खाली घंटे बढ़ा रहे हो मेरे वॉच टाइम मेरा हाई पीक पे जा रहा है मतलब वीडियोस व्यू तो हो रहे लेकिन सब्सक्राइबर नहीं मेंटेन हो रहे यार देखो सब्सक्राइबर कहना तो नहीं चाहिए यार लेकिन थोड़ी मेहनत कर रहे तो अप्रिशिएट तो कर दो यार दो सालों से खाली सोच ही रहे थे अब जाके जो है सोचा है कि चलो कंटिन्यू करेंगे अब जब तुमने स्टार्ट कर दिया है तो कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा अरे भाई अप्रिशिएट कर लो कम से कम मेहनत तो देख लो बंदे की किस तरह से वीडियो तुम्हारे लिए बना रहे हम किस तरह की बकैती कर रहे खैर चलो यार भाई देखो यार लाइक वाइक करो या ना करो आई डोंट केयर सब्सक्राइब कर दो क्योंकि 99% जब उसमें दिखाई पड़ता है नॉट सब्सक्राइब तो बहुत गुस्सा आता है मतलब लगता है कि यार क्यों कर रहे हैं लेकिन देखो ये हम मतलब अपना पैशन फॉलो करके कर रहे हैं जॉब तो हम कर ही रहे हैं लेकिन यूट्यूब पे वीडियोस बनाना बहुत सालों से सोच रहे थे मतलब 2-3 साल से सोच ही रहे थे एक मेरा चैनल पहले भी कॉपीराइट की वजह से बैन भी हो गया था 2016-17 में मेरे पास ऑलमोस्ट 700-800 सब्सक्राइबर्स हुए भी थे बट कॉपीराइट लगा दिया था उसने आज तक उस चैनल को बंद करा हुआ है यूट्यूब ने खाले ने मनूस ने ऐसा कॉपीराइट मारा कि अभी तक सही नहीं हुआ एनीवेज हाँ चलो एक और बात बताते हैं जो तुम जितने भी लोग ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है मैसेंजर पे या मैसेज करके ठीक है जितने भी लोगों ने सबके लिए एक जवाब हम ये दे रहे हैं कि देखो मेरा प्लान तो नहीं है ना ही भाभी को व्लॉग में लाना तुम्हारी भाभी को मतलब व्लॉग में लाना ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरा बट अगर मुझे लगा कि अगर मुझे लगा आगे चल के कि इंगेजमेंट अच्छा हो रहा है लोगों तक अपनी व्लॉगिंग पहुंच रही है देन आई डोंट माइंड मतलब ये टोटली उनका डिसीजन है कि उनको आना कि नहीं आना वीडियो पे इट्स नॉट माय चॉइस उनके ऊपर है अगर अगर शी वांट टू ज्वाइन तो ठीक है अरे यार फिर वो क्या है ना कि भाभी को अगर वीडियो में इन्वॉल्व कर लेंगे तो फिर वो फैमिली ब्लॉग बनने लग जाता है फैमिली ब्लॉग बनेगा फिर लैंग्वेज बैरियर आएगा फिर हिंदी वो नहीं समझेंगी और तुम लोग जो है हिंदी समझोगे या इंग्लिश समझोगे हिंदी इंग्लिश में जो है ऐसे ही हो फिर मुझे अरबी बोलना पड़ेगा फिर तुम कहोगे ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो तुम तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इवन दो आई विल ट्राई लेकिन इट्स टोटली डिपेंड ऑन द यूट्यूब चैनल ग्रोथ कि ग्रोथ क्या है और कैसी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है हालांकि एक चीज़ में ग्रोथ मेरी अच्छी जा रही है फ्रैंकली वो है यूट्यूब वॉच आवर्स वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं लोग वीडियोस देख रहे हैं घंटे इंक्रीज हो रहे हैं कल रात से लेके अब तक के ऑलमोस्ट मतलब हुए ही 12-13 घंटे हैं 12-13 घंटे में मेरी यूट्यूब पे शायद 4.5-5 घंटे का इंक्रीमेंट हो गया इंगेजमेंट हो गया तो आई मीन इट्स क्वाइट गुड अल्हम्दुलिल्लाह यानी सब कुछ ना कुछ तो हो रहा है सब्सक्राइबर भी दिन में 5-8-10 तो बढ़ ही रहे हैं ठीक है तो धीरे धीरे लेकिन तुम लोग यार देखने के बाद जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं कसम से यार भाई सब्सक्राइब कर लो बस अब बता रहे हैं सब्सक्राइब कर लो ताकि हम अच्छी इंगेजमेंट करें और कमेंट में मुझे बता दो कि तुम्हें कौन सी नीश अच्छी लग रही है अगर तुम्हारी कोई नीश है जिसमें तुम चाह रहे हो कि हम कुछ करें जस्ट टेल मी मैं कोशिश कर सकता हूँ आई एम नॉट प्रॉमिसिंग फॉर एनीथिंग बट आई कैन ट्राई देखो कितनी कचरा लग रही है यार फॉर्चूनर यहाँ पर लेकिन फॉर्चूनर ही होती है कचरा लगे या ना लगे है ना बात है कि नहीं है ठीक है चलो अच्छा यार पैक करते हैं आज के लिए थैंक यू वेरी मच बाय बाय गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ओके बाय टेक केयर